नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन नया फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हूँ मैं घेवर के मार्केट में और ऐसी दुकान पर जहाँ पर घेवर की दुकान में पूरा भंडारा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे पूरा भंडारा की भंडारा घेवर का रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। आप देख रहे होंगे इस दुकान में पहले भी आ चुका हूँ और आपको दिखाऊँगा। ये अभी भैया बना दिया ये। अच्छा, आप दूसरी तरह से बनाएंगे तो अभी डाल के बताएंगे भैया कैसे कैसे बनाते हैं। तो ये क्या सीख रहे हैं अभी? अच्छा अच्छा, तो ये देखिए भाई, अब जब दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनते हैं घेवर। और ये अभी यहाँ पे प्रोसेस चालू होने वाला है। तो ये क्या चीज़ है भैया आपके हाथ में जो है? तो दोस्तों चलते हैं भैया से थोड़ा सा रेट पूछ लेते हैं। ये देखिए इन्होंने ये घेवर बनाने का प्रोसेस चालू रखा है और अभी चल रहा है और थोड़ा सा रेट पूछ लेते हैं। भैया रेट क्या बात आप दिए आपने ये घेवरों का? हमारे यहाँ जितनी भी लेती है थोक वाली रेट जो बड़े घेवर की है 260 रुपये किलो। अच्छा जी, अच्छा थोक में जाता है खर्चा? फीका है 240 रुपये किलो जी। फीका 260 रुपये किलो बड़ा वाला, और छोटा घेवर 280 रुपये किलो है। फीका छोटा क्यों और 280 है? क्योंकि छोटे में और बड़े में मजदूरी में अंतर आता है। अच्छा, इसमें मजदूरी में? ये 1 किलो के 28-30 चढ़ते हैं और ये 1 किलो के 14-15 चढ़ते हैं। तो भाई ये तो भाई छोटा वाला है और ये है बड़ा वाला। इस पे तो 1 किलो पे चढ़ेंगे 28-30 और इस पे चढ़ेंगे कम से कम 14-15 फीका। तो ये तो 260 है और ये है 280 और ये छोटा वाला है। तो ये मीठा वाला है ना? मीठा नहीं, फीका। मीठा 260 रुपये किलो है दोनों में। 1 किलो पे 14-15 पीस चढ़ते हैं और ये 240 रुपये किलो है बड़ा वाला जी, जिसपे 6-7 पीस चढ़ते हैं। दोनों मीठे की रेट दोनों के समान है? नहीं, 260 और 240। अच्छा अच्छा, मीठा भी अलग अलग है? अलग अलग। तो भाई आप देख रहे होंगे और अभी हम चलते हैं यहाँ से बधाई लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भैया ने बताया कि छोटे में थोड़ा क्या है मेहनत ज़्यादा लगती है। तो ये तो बड़ा वाला, ये छोटा वाला। चलते हैं, दुकान का एड्रेस देख लीजिए और ये पूरा मार्केट है यहाँ का। ये मैदा है? अच्छा, ठीक है भाई, ये चालू कर दिया मैंने। तो मैदा को कब घोरते हो आप? धीमे घोरते? अच्छा अच्छा, तो भाई ये मैदा घोल जाती है पहले धीमे, मैदा दूध घी तीनों चीज़ों को मिक्स कर दो। मिक्स कर जाना जाता है। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर चीनी चढ़ाई जाती है। अच्छा अच्छा, तो लिखता है। तो भाई ये देखिए प्रोसेस चालू हो चुका है अपना। तो भैया एड्रेस जैसे कोई खरीदना चाहे तो एड्रेस क्या होगा अपनी दुकान का? मंदिर के पीछे भरतपुर। तो भाई इस दुकान में पहले भी आ चुका हूँ। ये गजब की जगह डाली थी मैंने और ये लक्ष्मण मंदिर के पास हनुमान जी के पास पीछे। और यहाँ आपको घेवर नहीं पूरा भंडारा मिलेगा घेवर का। जितना आप लो उतना, 10 किलो 20 किलो 1 क्विंटल 2 क्विंटल देख रहे होगे आप। पूरा का पूरा मार्केट भरा हुआ है, पूरी पूरी दुकान भरी हुई है। और इन्होंने अभी से चालू कर दिया क्योंकि अभी से सप्लाई चालू हो चुकी है, बाहर जाता है ना केवल। और ये देखिए भाई सिक्के आ गया तैयार। तो ये भैया सिक्के रेडी हो गए। मीठा 240। तो ये मीठा क्यों 240 का? मीठे पे ज़्यादा चढ़ते हैं, मीठे कम चढ़ते हैं, ये सिस्टम है क्या? तरीके से आवाज़ आ रही है। ये एक भट्टी के चल रही, 3-4 भट्टी चल रही हैं अभी इनकी। तो दोस्तों अगर आपको भी लेना हो तो आपके भैया से आ सकते हैं, भैया से खरीदने। ये देखिए पूरा का पूरा भंडार रखा हुआ है। फिर आप चलते हैं दोस्तों, बताइए।